रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों पर बात की। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि अपरंपरागत युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां खड़ी कर दी है और इसे तेजी से बदलती तकनीक ने जन्म दिया है। रक्षा मंत्री सिंह का मानना है कि ड्रोन, साइबर वार जैसे हथियार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपरंपरागत युद्ध की तकनीकों ने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन कंटेस्टेंट के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार देश के रक्षा क्षेत्र की और अधिक इनोवेटिव और तकनीकी क्षमता से लैस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने डेयर टू ड्रीम पहल के प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि जब युवा कुछ नया सपना देखने का साहस करते हैं तो उन सपनों को हासिल करने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। हमारे नए जनरेशन के साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं। मैं समझता हूं कि आप सब भी हमारी आर्म फोर्सेस के वैरियर्स की तरह ही देश के एक मजबूत वैरियर्स हैं। साथियों, समाज समय और समाज में जिस तरह से लगातार ये परिवर्तन हो रहा है उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। हमें उसे गहराई से, मैं समझता हूं कि और समझने और उसके अनुसार भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। ऐसा आप सब भी अनुभव करते होंगे। आज समय के जिस पड़ाव पर हम हैं इसका सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी मैं समझता हूं यह उचित होगा। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं बस आपके सामने इतिहास की उन चीजों का जिक्र करूंगा जहां से इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होनी शुरू हो गई। मित्रों, आप सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मानव जीवन में व्यापक स्तर पर मॉडर्न साइंस का समावेश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही किया था और 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में बड़े पैमाने पर अलग अलग आविष्कार भी हुए थे। स्टीम इंजन, पावर लूम और अनगणित मशीनों का आविष्कार हुआ और दुनिया ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ते हुए प्रत्यक्ष देखा भी। साथियों, लगभग 200 वर्षों में मानव सभ्यता ने जितनी प्रोग्रेस की है उतनी तो मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में नहीं हुई थी। लगातार बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जो कदम उठाए वह अनपैरेलल्ड थे। शुरुआती दौर में टेक्सटाइल, पावर और उससे आगे बढ़ते हुए मानव ने ट्रेन, मोटराइज्ड व्हीकल्स इत्यादि का भी आविष्कार किया और उसके बाद पेट्रोलियम की खोज ने तो पूरी दुनिया में मानो एक क्रांति लाते हुए लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों विश्व युद्धों ने मानव सभ्यता की इस लगातार हो रही प्रगति पर थोड़ी सी रोक तो लगाई, फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर चलता रहा या रुकने नहीं पाया। थोड़ा और यदि आप आगे आए तो कंप्यूटर के आगमन ने इस डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू किया। कंप्यूटर के आगमन के बाद बड़ी से बड़ी सूचनाओं को छोटी सी छोटी मशीनों में कैद किया जाने लगा। मशीनों की क्षमता बढ़ी और लगभग 15 से 20 वर्षों के अंदर कंप्यूटर ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। साथियों, इस कंप्यूटर एज ने आज विश्व के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगले फेज में यानी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का युग यह टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनके पीछे पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं और यह टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहे हैं वह अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है।